Hello students, let's see this question. The question says which one of the following grouping represent a collection of isoelectronic species? Atomic number of C is cesium is 55 and Br bromine is 35. So आपको चार ऑप्शंस में से वो ऑप्शन कलेक्ट करना है जिसमें कलेक्शन है आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का. सो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज वो होती है जिनके पास टोटल सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होती है. ठीक है, सो दैट कैन बी फाइंड आउट वेरी इजिली. आपको बस एटॉमिक नंबर्स पता होना है, जो भी चार्ज मैंने दे रखा है पॉजिटिव नेगेटिव अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉन काउंट निकाल लो. सो मैं ए ऑप्शन के लिए देखती हूँ. नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो 7 में 3 ऐड कर दिया तो 10. मैं ऐसे कॉमा लगा के लिख रही हूँ रिस्पेक्टिव मैनर में, ठीक है, हर ऑप्शन के आगे. क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, उसमें -1 का चार्ज है तो अगेन 10 इलेक्ट्रॉन. सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, पॉजिटिव चार्ज है यानी कि एक इलेक्ट्रॉन बूस्ट करेगा तो 10 इलेक्ट्रॉन. सो फर्स्ट ऑप्शन में तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, सेम अमाउंट ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट है. ठीक है, अब देखते हैं कैल्सियम में. कैल्सियम का एटॉमिक नंबर होता है कितना, 20. 20 में से 2 गए 18. सीजियम का 55 एटॉमिक नंबर है, उसमें से एक गया तो 54 हो गया. एंड ब्रोमीन, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35 है, उसका कोई चार्ज नहीं दिया तो 35 ही रहेंगे इलेक्ट्रॉन काउंट. सो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन काउंट डिफरेंट है तो ये आपका ऑप्शन गलत है. ठीक है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, कोई चार्ज नहीं है तो 4 इलेक्ट्रॉन. एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 13 -3 दैट इज 10 हो जाएगा. एंड क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, तो Cl माइनस का हो जाएगा आपका 18 इलेक्ट्रॉन. सो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन काउंट डिफरेंट है तो सी ऑप्शन भी नहीं होगा. अब डी में देख लेते हैं. सोडियम का हमें Na पॉजिटिव का हमने निकाल लिया था 10 इलेक्ट्रॉन है. Ca2 पॉजिटिव का भी निकाला था, 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं. एंड Mg2 पॉजिटिव के कितने हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन. Mg मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, तो 12 में से 2 इलेक्ट्रॉन गए तो 10 बचे. सो अगेन डी ऑप्शन भी नहीं हो सकता. सो इस पूरे क्वेश्चन में एक ही ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज ए. रेस्ट ऑप्शंस आर इनकरेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू.